हेलो स्टूडेंट, आई जेवी निशु शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आवर सेशन इज क्लिपिंग। व्हाट इज क्लिपिंग? वी नो दैट क्लिपिंग इज अ पोर्शन ऑफ अ पिक्चर दैट आर ईदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ स्पेस इज रेफर्ड एज अ क्लिपिंग। इन शॉर्ट हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि क्लिपिंग एक वो पोर्शन है जो उस पिक्चर के अंदर, चाहे वो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, क्लिपिंग वो पोर्शन है जिसको एक पिक्चर के अंदर हम अंदर भी क्लिप कर सकते हैं और उसके बाहर भी हम एक क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं पॉलीगॉन क्लिपिंग। टुडे दिस इज आर मेन टॉपिक। पॉलीगॉन क्लिपिंग मीन्स सदर एंड हॉजमैन एल्गोरिदम। वी नो पॉलीगॉन क्लिपिंग एज वेल एज सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिदम। इट कैन ऑल्सो यूज फॉर क्लिपिंग अ विंडो इन द एल्गोरिदम। ऑल द वर्टिक्स ऑफ द पॉलीगॉन आर क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। इसका मतलब क्या है कि हम एक कोई भी ये हमारी सपोज एक विंडो है। इस विंडो में मुझे कोई भी, हो सकता है लेफ्ट साइड से कुछ क्लिप करना हो सकता है, राइट साइड से कुछ क्लिप करना हो सकता है, मुझे टॉप से करना हो सकता है, मुझे बॉटम से करना, मुझे कहीं पर भी उस विंडो में कोई भी चीज़ को क्लिप करना है तो मुझे पॉलीगॉन क्लिपिंग का यूज़ करना होगा। इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि हर एक वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब इसके दो पॉइंट्स, इस लाइन के पॉइंट्स, इस लाइन के पॉइंट्स, इसके पॉइंट और इसके पॉइंट, जब हम एक बॉक्स बनाते हैं तो चार पॉइंट्स जो हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिक्सेस। तो हमारे ऑल द वर्टिक्सेस ऑफ ऑल द पॉलीगॉन आर क्लिप्ड अगेंस्ट ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। मतलब हर एक हमारे पॉलीगॉन के वर्टिक्सेस जो होंगे वो क्लिप होंगे। ठीक है, अब हम यह बात करें कि पहले होता क्या है। सपोज हमने यह बात किया है कि फर्स्ट द पॉलीगॉन इज क्लिप अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द पॉलीगॉन। सपोज आपने एक कोई भी ट्राइंगल बनाया तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, लेफ्ट एज को करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके राइट एज को करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके टॉप को करेंगे, देन हम उसके बॉटम को करेंगे। या तो हम ये कहें हम क्या करेंगे, आर एल आर टी बी, एल आर टी बी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ बात करें कि फर्स्ट द पॉलीगॉन इज क्लिप अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द पॉलीगॉन विंडो टू गेट न्यू वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब मैं जब उसको क्लिप कर दूंगी तो मुझे न्यू वर्टेक्स मिल जाएंगे। देयर न्यू वर्टेक्स आर यूज्ड टू क्लिप द विंडो अगेंस्ट राइट एज, टॉप, बॉटम ऑफ द क्लिपिंग विंडो। अभी हम यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज ये मैंने कोई एक रफली एक पॉलीगॉन बनाने का ट्राई किया है, या हम कोई भी एक शेप ले सकते हैं, ये हमारा एक कोई भी पॉलीगॉन है। अब ये देख रहे हो बाहर मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब हमने बोला है बॉक्स के अंदर जो है ये मेरा हो गया पॉलीगॉन और ये जो बाहर हो गई वो हो गई मेरी विंडो। अब देखो जितना भी बाहर है, जितना भी मटेरियल बाहर है वो सब मेरा क्या हो गया, क्लिपिंग विंडो। इन सब चीज़ों को हम क्लिप करेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कैसे। तो वाइल प्रोसेसिंग एन एज ऑफ ए पॉलीगॉन विद क्लिपिंग विंडो एन इंटरसेक्शन पॉइंट इज फाउंड। इफ एज इज नॉट कम्प्लीटली इनसाइड क्लिपिंग विंडो एंड द पार्शियल एज फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट टू द आउटसाइड क्लिप। देखिए ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, इस फिगर में हमने लेफ्ट और राइट को क्लिपिंग किया है। जैसे मैंने ये एक पॉलीगॉन बनाया, इस पॉलीगॉन को इस बाउंड्री के अंदर रखा, यानी कि एक क्लिपिंग विंडो के अंदर रखा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन देखो मैंने बाहर नहीं लेके गई, यानी कि मेरा बाहर मेरा जो था वो क्लिप हो गया है। ये वाला एंगल मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिप कर दिया, यानी कि यहाँ पर मेरा क्लिपिंग किसकी हो गई, लेफ्ट एज की। यहाँ देखिए मैंने ये तो लेके गई, इसको मैंने यहाँ पर किया, यानी राइट की हो गई। अगर अब मैं टॉप की बात करती तो ये मेरा यहाँ पर आधा कट हो जाता, ये वाला एंगल ऊपर कहीं भी हो सकता था, ये इतना पोर्शन मेरा रिड्यूस हो जाएगा, टॉप में सिर्फ ये रह जाएगा। और अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम से
ये या फिर ये हो गया मेरा टॉप, बॉटम, अप, राइट एंड लेफ्ट। समझ में आया? इसी तरीके से हम टॉप भी करेंगे, इसी तरीके से हम बॉटम भी करेंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। तो हम क्लिपिंग कर रहे हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं हॉजमैन क्लिपिंग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, पॉलीगॉन क्लिपिंग। थैंक यू।